मैं हूँ नाजिश और आप देख रहे हैं कुक बुक विद नाजिश। तो आज मैं बनाऊंगी मैंगो स्क्वाश, जो कि बहुत ही मज़े का होगा और इजी रेसिपी के साथ। तो उसके लिए ये मैंने कच्चे आम लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के उनको खुश कर लिया है। अब मैं इनके इस तरह से छिलके उतार दूँगी। तो सबके मैं इसी तरह से छिलके उतार दूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से सब कच्चे आमों के छिलके उतार दिए। अब मैं इस तरह से इनको बारीक बारीक काटूंगी। जो गुठली है ये बीच में से निकाल दूंगी। ये मैंने इसके इस तरह से पीस बना दिए, सब काट लिए। अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। इतना पानी डालूंगी जिसमें ये जो कच्चे आम हैं ये अच्छी तरह से डूब जाए, और इसको मैं गलाने के लिए रख दूंगी। अब चेक करती हूँ उसे। ये देखें, ये गल चुकी हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रखती हूँ। कच्चे आम जो हैं ये ठंडे हो चुके हैं, मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है, इसको ब्लेंड कर दूंगी। ये ब्लेंड करके मैंने इसको चढ़ा दिया है दोबारा से चूल्हे पे। अब इसके अंदर मैं ये चीनी ऐड करूंगी 4 कप। इसे हिला दूंगी। और इसमें ये ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दे का रंग मैं ऐड कर दूंगी। इसे हिला दूंगी। अभी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, कलर भी, फूड कलर भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ और इसको मैं ठंडा करने के लिए रखती हूँ, और उसके बाद मैं इसको बॉटल में डालूँगी। अब ये जो स्क्वाश है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ये मैंने बॉटल्स ली हैं, ये मेरे घर में पड़ी हुई थी। तो ये जो बॉटल्स में हम लोग ये मैं डालूँगी, ये बॉटल्स बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी होगा इनमें तो ये स्क्वाश जो है ख़राब होने का ख़तरा है। तो चलिए मैं इसमें डालकर चेक करती हूँ, डालती हूँ इसमें। और डालने के लिए जो मैंने जग लिया है इसको आप देखें, ये यहाँ से इस तरह से होना चाहिए ताकि बॉटल्स में हम बहुत आराम से और आसानी के साथ डाल सकें। ये स्क्वाश जो है ये बन चुका है। देखिए ये 2 बॉटल्स बनी हैं और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, आपके सामने बना है और कितना साफ़ सुथरा बना है सफाई के साथ। अब मैं आप लोगों को गिलास में निकाल के दिखाती हूँ।
इसको हिला दूंगी। इस मैंगो स्क्वाश को आप एक महीने तक फ्रिज में रखकर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये कितने मज़े का बना है और कितना यमी सा बना है, तो अब चेक करके बताती हूँ। बहुत मज़े का। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।